ओम शांति। आपका प्रश्न है, कयामत की रात किसे कहते हैं? कयामत जिसका अर्थ दुख, कयामत आ गई है, मुसीबत आ गई है, दुख आ गए हैं, कष्ट आ गए हैं। कयामत परिणाम लेने का समय। क्योंकि जो हमने किया है उसका रिजल्ट हमको मिलना है। कयामत जजमेंट डे, जजमेंट नाइट, जब सारे संसार की आत्माएं परमात्मा के सामने उपस्थित होंगी और अपने किए हुए कर्मों का फल लेंगी। परमात्मा सबके कर्मों के अनुसार न्याय देंगे। क्योंकि सारी दुनिया लगता है कि गलत कर रही है तो उनकी सजा उनको मिलेगी। इसलिए कयामत का अर्थ हमें मुसीबत, दुख, भय ऐसा लगता है। कयामत आ गई, मुसीबत आ गई। कितने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हों, अच्छे से अच्छा पेपर करके आ रहे हों, उनको भी रिजल्ट का बड़ा डर रहता है, पता नहीं क्या निकलेगा, क्योंकि दूसरे के हाथ में। इसलिए कयामत एक भयभीत करने वाला समय समझा जाता है। परंतु जब सत्य का बोध हो जाता है तो यही समय एंजॉय करने वाला भी होता है। दुनिया के न्याय में, दुनिया के जजमेंट में गलती हो सकती है, परंतु जब यह साथ में विश्वास जुड़ जाए कि परमात्मा के पास अन्याय नहीं हो सकता। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी घबराता है रिजल्ट क्या होगा, परंतु यहां भयभीत होने की जरूरत नहीं। यह सच समझना है और फिर इस कयामत की रात को एंजॉय करना है कि हम सब ने खुदा के सामने हाजिर होना है और खुदा आकर हम सबको न्याय देंगे। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उन्हें जन्नत नसीब होगी, जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उन्हें दोजख मिलेगी। स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, यह हर एक आत्मा को सही न्याय मिलेगा। और वो समय अब आ गया है। हम सारे संसार की आत्माओं को न्याय देने के लिए, हम सारे संसार की आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए, परमात्मा आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, सबको न्याय देते हैं। वो आखिरी रात, इस वर्ल्ड ड्रामा की आखिरी रात अब नजदीक आ चुकी है। हर आत्माओं को अपने इस पृथ्वी पर आकर सारे पार्ट बजाने की वो आखिरी रात नजदीक आ चुकी है। वो कयामत की रात, सबको न्याय मिलने की रात आ चुकी है। जिसके लिए सारे गाते हैं, इस कोर्ट में तो गलती हो सकती है, अन्याय मिल सकता है, परंतु भगवान के घर कभी अन्याय नहीं हो सकता। तो वो न्याय देने का समय, वो जजमेंट डे, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जिसे पुकारा गया है,
वो समय अब नजदीक आ चुका है। सभी शरीरों का, ये हम आत्मा की ड्रेस का रोल पूरा होगा। उससे पहले परमात्मा आकर सब रूहों को सत्य ज्ञान देकर जगा रहे हैं। जो जितना जाग जाएंगे, जितना ईश्वर की मत पर चलकर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे, जिसके आधार पर उन्हें स्वर्ग, सेमी स्वर्ग, नर्क सब मिलना है। सबको अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिलना है। अब वो समय है कि जब सारे संसार की आत्माएं घर जाएंगी। आप यहां देख रहे हैं, ये सृष्टि चक्र का खेल है, नाटक देख रहे हो, सृष्टि नाटक, इसे कहते हैं वर्ल्ड चक्का चक्र। एक चक्र जब पूरा होता है, इस चक्र के अंत में सभी आत्माओं को उनका अपना न्याय प्राप्त होता है। आत्माएं कैसे आती हैं वो भी आपको समझ में आएगा। ये जो बीच का जो समय आप देख रहे हैं, ये संगम युग जो आप देख रहे हैं, ये संगम युग एक वंडरफुल समय है, जब कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की आदि होनी है। उसके बीच में परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पहले ज्ञान देते हैं। जो आत्मा जितना ईश्वरीय ज्ञान पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, ये डॉट डॉट जो दिखाया है, ये डॉट डॉट सारे ऊपर आत्माएं एक साथ जाती हैं। ये जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, ये हम सब आत्माओं के घर जाने का सिग्नल है। सिग्नल सबको दिखाई दे रहा है, परंतु उस सिग्नल तक पहुंचने से पहले हमें अपने परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। हमें खुदा के सामने उपस्थित होने से पहले तैयारी करनी है। आप सभी अपने आप को तैयार करें। अब अपने आप को ईश्वरीय मत पर चलकर अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं, तभी तो जन्नत में जा सकेंगे। परमात्मा आकर पढ़ाते हैं सारे संसार की आत्माओं को, पढ़ती हैं सारे संसार की आत्माएं, क्योंकि यही एक समय होता है कि सारे संसार की आत्माएं इसी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। जनसंख्या अधिकतम कोई भी आत्मा परम धाम में नहीं रह जाती। सारी आत्माएं जब आ जाती हैं, तो परमात्मा आकर सबको पावन बनाते, सबको घर जाने से पहले उनकी मैरिट बन जाती है। अब आगे आने वाले से समझ जाएंगे ये कयामत की रात का रिजल्ट क्या मिलता है। वो रिजल्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि सभी आत्माएं अपनी पुरुषार्थ के हिसाब से घर जाती हैं और उनकी मेरिट बन गई है। सभी आत्माएं परम धाम में पहुंच गई हैं। अब वहां से सबसे पहले वो आत्मा इस पृथ्वी पर आएगी। ये सुई जैसे ही यहां आएगी, समय रुकता नहीं है, ये सुई रुकी हुई है, परंतु जैसे ही सुई यहां आएगी, अर्थात कलयुग का अंत होगा तीसरे विश्व युद्ध के द्वारा, और सारी आत्माएं अपने घर वापस जाएंगी। ये धरती फिर से वेल सेट हो जाएगी। कोई भी चीज धरती के अंदर अशुद्ध अपवित्र नहीं होगी। एवरीथिंग अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तब ऊपर से धरती भी 100% प्योर, एवरी एलिमेंट इज 100% प्योर। तो 100% प्योर आत्माएं ही परम धाम से इस धरती को एंजॉय करने के लिए आएंगी। तो 100% लेने वाली आत्माएं भी थोड़ी होंगी। वो आत्माएं आकर इस धरती को, स्वर्ग को एंजॉय करेंगे, परंतु ये नियम है कि वे धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू,
यूज होगा तो बैटरी डाउन होना शुरू। तो आत्माएं 100% से 99 पर आएंगी, प्रकृति भी 100% प्योर से 99 पर आएगी। यूज हो रही है, मकान बन गया तो पुराना होना शुरू। तो ऊपर से ऑटोमेटिक 99 वाली आत्मा नीचे, क्योंकि जिसने प्योरिटी में 99% प्राप्त किया है उसके आने का समय ऑटोमेटिक है। ये आप धरती को यूज करेंगे 98 पर आएगी तो 98 वाली आत्मा नीचे, 97 वाली आत्मा, 90 वाली आत्मा, 80 वाली आत्मा, यहां तक आप देख रहे हैं जहां पीला रंग खत्म हो रहा है, स्वर्ग वहां खत्म हो रहा है, सतयुग का पहला पार्ट खत्म हो रहा है। 75% से अधिक नंबर वाली आत्माएं यहां तक सारी आ जाएंगी। और यहां एक नियम याद रखें, जो आत्मा एक बार परम धाम से आ गई वापस नहीं जा सकती, उसको नीचे गिरते ही आना है। तो यही धरती फिर 75 से कम नंबर वाली आत्माएं आना शुरू करती हैं। और यहां तक आप देख रहे हैं जिनके 50 से अधिक नंबर थे वो आत्माएं आ जाती हैं। फिर वो आत्माएं आना शुरू करती हैं जब जो 49 वाली, 45 वाली, 48 वाली, 35 वाली, 30 वाली, यहां तक आते आते 25 वाली आत्माएं आ जाएंगी। फिर 24 वाली, 15 वाली, 10 वाली, 5 वाली, 3 वाली, 2 वाली, 1 वाली, सारी आत्माएं जब इस धरती पर आ जाती हैं तो परमात्मा फिर सबको साथ लेकर जाते हैं। जो जितने अधिक अंक प्राप्त करेगा उतना अधिक इस संसार के सुख भोगने का अधिकारी बनेगा, और जितने कम अंक प्राप्त करेगा उतना कम सुख पाने का अधिकार मिलेगा। तो हमें समझ में आया होगा कि रिजल्ट निकलता है और हम कर्म करते हैं, अपने कर्म के फल अनुसार फिर अपने स्वर्ग में, नरक में, जैसा भी हमारा कर्म होता है मिलता है। तो ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये है डूम्स डे, जजमेंट डे, न्याय का दिन, जब परमात्मा आकर इस संसार में आए हुए आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर रिजल्ट, परिणाम देते। और अच्छी तरह से हमें समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि कोई मन में प्रश्न उठता हो जिसका उत्तर आपको ना मिल रहा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर, जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए हैं, आप उसमें अपने प्रश्न के उत्तर को जान सकते हैं। यदि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल नहीं है तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। यह आपका अधिकार भी है और सेवा में सहयोग भी। ओम शांति।